Good morning, students. Good morning, my all dear parents and my all colleagues and whole country, India. So today I am here with the same topic of class 9, and the chapter is the physical features of India. We had discussed this first part before one week. Today I got a chance to make another video on this topic. So in the first lesson we discussed about the northern plains. What northern plains? Today we will discuss about the northern mountains, northern Himalayas. So today we will discuss the northern plains and what does it mean, what is northern plains and what is its features and its importance and its शुरू करते हैं मार्च पढ़ना। सबसे पहले तो कोई जो भी बच्चे हैं, है ना, जो मैं अनमोल थापा हूँ, मैं अनमोल सर, है ना, जो भी मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर मैंने देखा है, एसएसटी है ये, जो भी है टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट है क्लास 9 के लिए है, जो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि पूरा एनसीईआरटी बुक से है। और चैप्टर 1 हमने खत्म कर लिया है और उसका पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दिए है। अब देखिए कि जो बच्चे फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसको जरूर देखिए, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स से पहले हमें नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी नॉर्दर्न माउंटेन्स के फुटी को हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास, देखते हैं क्या है। द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्मड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर्स, स्टॉर्म वैली, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। देखिए ये तो नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब पता है, देखिए ना, यानी ये समझ लीजिए नॉर्दर्न माउंटेन्स है, ठीक है, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स है, इसका फुटहिल, जो इसका फुटहिल है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या नहीं है कि हम जाएंगे इंडिया में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये साउथ का प्लेन प्लेन नहीं होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब होता है कि जो हमारा नॉर्दर्न हिमालय से उसका जो फुटहिल है उसी को हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, उसको हम बोलते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स बनने में भारत के 3 प्रमुख नदियों का बहुत बड़ा हाथ है। इसी नदी के सहायता से नॉर्दर्न प्लेन्स बनाया गया है। देखते हैं कौन सा रिवर है। एक तो है द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। इंडस रिवर जो है इसका ज्यादातर पार्ट कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और ये जो गंगा है ये गंगा शुरू होता है गंगोत्री गैसियर से, और ये जो ब्रह्मपुत्र है ये शुरू होता है कहाँ से, चाइना से शुरू होता है। देखिएगा यानी कि ये 3 जो इम्पोर्टेंट रिवर है और उसका ट्रिब्यूटरी उसका साथी, और देखते हैं ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, यानी कि ये एक मेन प्रमुख रिवर होगा, है ना, गंगा रिवर है। तो इस रिवर में इसका छोटे छोटे रिवर आके इसमें मिल जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। और दूसरा होता है ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरीज। और जो ये मेन रिवर से, और मेन रिवर से यहाँ से आप इस रिवर का ब्रांच जाता है, यहाँ से इधर, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, जो हम क्लास 5 और क्लास 4 क्लास 6 में सेवन में डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में डीपली हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखिए This plain is formed by the deposition of alluvial soil and made fertile plain. It is spread over an area of 7 lakh kilometers square. यानी कि ये जो plain है, ये plain बनता है alluvial soil से बनता है। अब देखिए alluvial soil क्या होता है? यानी कि जो भी कोई भी नदी हिमालय और से बहती है तो वो बहुत ही फोर्स, बहुत ही गति में बहती है, बहुत ही तेज बहती है। जब तेज में बहती है तो जब उसको अचानक प्रेस मिलता है तो पानी वहां पे स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है, और उसमें जितना भी ओलिविया में जितना भी क्ले है वो मेस हुए है वो सब वहां पे डिपोजिशन हो जाता है, वहां पे एकत्रित हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं एलोवियल सोयल, जो की खेती करने में बहुत ही फर्टाइल होता है। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ होता है, ठीक है। और इसका जो एरिया है ये लगभग 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ, यानी कि 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर फैला हुआ है, यानी कि ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, यानी कि वेस्ट ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 2442 3300 ब्रॉड इज अ बेसिक कॉम्पोनेंट। सो ऑब्जेक्टिव
अब एक बात आपको बता देते हैं कि ये प्लेन जो होता है, ये प्लेन का लंबा लगभग कितना है, 7 लाख क्या है, ये प्लेन का टोटल एरिया है। 7 लाख क्या है, ये है ये प्लेन का टोटल एरिया जहां तक ये प्लेन फैला हुआ है। अब दूसरा बात है, इसका जो लंबा है वो लगभग 240 किलोमीटर से लेकर के 620 किलोमीटर तक है, और जो इसका चौड़ा है वो है लगभग, सॉरी इसका जो लंबा है वो है 2400 किलोमीटर, तो चौड़ा है वो है 2240 किलोमीटर से लेकर के 720 किलोमीटर तक है। अब यहाँ पे बात आता है डेंसली पॉपुलेटेड। देखिए बहुत सारे सिटीज है, मतलब प्लेन्स ज्यादा मात्रा में क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर जनसंख्या की बहुत ज्यादा मात्रा पॉपुलेट होता है। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे सब चीज का सुविधाएं है ना, फैक्ट्री लगाना हो, चाहे दुकान करना हो, चाहे खेती करना हो, क्योंकि यहाँ पे हर चीज का सुविधा है। हम अपने ही जगह को देखते हैं, हम प्लेन्स में देखते हैं, तो सभी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, रोड फैसिलिटीज, बिजनेस फैसिलिटीज सब यहाँ पे संपूर्ण मात्रा में हमको प्राप्त, पर्याप्त मात्रा हमको प्राप्त होता है। इसीलिए जो प्लेन है, ये प्लेन जो है बहुत ज्यादा डेंसली है, यानी कि इंडिया में जो गंगा प्लेन है वो ज्यादा मात्रा में डेंसली पॉपुलेटेड, जो कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश से होते होते बंगाल बिहार से होते होते कहाँ पहुंच जाता है, गंगा जाकर के बांग्लादेश में चला जाता है, यानी कि जो गंगा प्लेन है ये बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। अब देखिए rich soil covered combined with adequate water supply and favorable climate is agriculture and profit part of India. यानी कि ये जो plains है, इस plains जो है, ये जो मिट्टी है, इसका जो मिट्टी है वो मिट्टी उपजाऊ है ना, यानी कि मिट्टी में बहुत सारे minerals पाए जाते हैं जो खेती के लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है, और यहाँ पे पानी का सप्लाई की कमी नहीं है, पानी का कमी नहीं है, एडिक्वेट वाटर सप्लाई, यानी कि जितना चाहे उतना ही आपको यहाँ पे पानी का सुविधा मिल सकता है, और साथ साथ यहाँ का जो क्लाइमेट है वो होता है आनंदमय जो क्लाइमेट होता है, और इसीलिए इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि जो प्लेन्स है, इसी प्लेन्स में ज्यादा मात्रा में खेती किया जाता है। कारण है एक तो एडिक्वेट वाटर सप्लाई, एक क्या है, दूसरा है एडिक्वेट वाटर सप्लाई, पानी का कमी है ही नहीं, तीसरा है फेवरेबल क्लाइमेट, यानी कि जलवायु का क्लाइमेट है वो एकदम आरामदायक होता है खेती के लिए। ठीक है, तो आते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। तो जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये नॉर्दर्न प्लेन 3 भाग में विभाजित किया गया है, लेकिन ये जो है उतना जरूरी नहीं है, देख लीजिए। The western part of the northern plains is referred to as the Punjab plains, from by the Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Rocky, the Vis and the Satluj originate from the Himalayas. यानी कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है, ईस्ट है ये वेस्ट है, यानी कि वेस्टर्न पार्ट, यानी कि वेस्टर्न प्लेन्स, ईस्टर्न का छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, अभी हम बात करते हैं वेस्टर्न प्लेन्स का बात करते हैं, तो जो वेस्टर्न प्लेन्स इसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब प्लेन्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पंजाब प्लेन्स भी इसको बोलते हैं। जो कौन रिवर से बना हुआ है, इसका प्रमुख रिवर है वो इंडस, क्या है, इंडस रिवर, इंडस रिवर इसका प्रमुख रिवर है, इस वेस्टर्न प्लेन को बनने में हाथों आदेश है इंडस रिवर है, क्योंकि इंडस रिवर इस टू इस तरह बहती है और ब्रह्मपुत्र डायरेक्ट है और जो गंगा है इस तरह बहती है, यानी कि इंडिया में तीनों को एक मेन रिवर है, जो एक रिवर है वो जिसे ये बहते बहते गुजरात होते पाकिस्तान होते होते ये पाकिस्तान की ओर चला जाता है इंडस रिवर। ठीक है, यानी कि इसका ट्रिब्यूटरी मतलब इसका शाखा है। देखिए क्या क्या था, एक तो था झेलम, चेनाब, रवि, बीज एंड सतलज, जो कहाँ से शुरू हुआ है, हिमालय से शुरू हुआ है, ये सब मिलकर के वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स बनाता है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब प्लेन्स, जिसको हम बोलते हैं। अब आते हैं द गंगा प्लेन, यानी गंगा रिवर द्वारा बनाए गए प्लेन, गंगा रिवर द्वारा बनाए गए प्लेन, द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर्स। ये जो गंगा प्लेन से, गंगा प्लेन से घाघर मतलब घाघर किसका मतलब होता है, नॉर्थ में है पड़ता है हमारा घाघर, और नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ये घाघर, और
नर्थ इस्ट सॉरी ढाका और ओडिशा यूनिवर्सिटी बीच में फैला हुआ है इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी कि ये जो गंगा प्लेन है गंगा प्लेन नॉर्थ इंडिया यानी नॉर्थ इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से होते होते थोड़ा सा हरियाणा दिल्ली यूपी बिहार और झारखंड वेस्ट बंगाल होते होते ये ईस्ट में जाकर के ये खत्म होता है यानी कहाँ हो जाता है ईस्ट में जाकर के ये चला जाता है बांग्लादेश में चला जाता है यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स में हम बहुत कुछ जानते हैं बहुत ही जरूरी चीज बात है कि बहुत ही जानना बहुत जरूरी है जो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है ये खास करके क्लास 8 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं 9th भी और 10th भी ठीक है जो भी जिसको भी आपको इंडिया के भौतिक विशेषता के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं अब यहाँ पे लगभग 80% इंडिया के विशेषता के बारे में आपको हम वर्णन कर दिए और हम वर्णन करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट हम पूरा टोटल पढ़ लेते हैं नॉर्दर्न हिमालयस और इसमें पढ़ रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ये वीडियो जो है आपको क्या कीजिएगा इसको क्या कीजिएगा आप लोग इसके जो डायरी जो नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से अध्ययन कीजिए अगर कोई भी दिक्कत है और कोई भी समझ नहीं आता है तो एक बार जरूर कमेंट में जाकर हमको कमेंट करें फिर हम उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे ठीक है अब उसको हम रब करने जा रहे हैं अब हम क्या करेंगे दूसरे पार्ट फिर से अभी तुरंत दूसरे पार्ट हम अभी पढ़ेंगे ठीक है खाने पे लीजिए रुकेगा सब कष्ट होना सब नॉर्दर्न प्लेन्स के जो विवादित थे उसको हम पढ़ लिए है ना अब वो तो पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स का दो भाग में विभाजित किया गया था और उस नॉर्दर्न प्लेन्स को चार क्षेत्र में बटा गया है कितना क्षेत्र में चार क्षेत्र में बटा गया है अब देखते हैं कि वो कौन सा क्षेत्र है जो जहां पे नॉर्दर्न प्लेन्स को बटा गया है द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर रीजंस यानी कि चार क्षेत्र में नॉर्दर्न प्लेन्स को बटा गया है यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जितना भी नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको चार क्षेत्र में बांटा गया है तो देखिए सबसे पहले बाबर प्लेन्स और बेल एक है बाबर प्लेन्स लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक हम पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में ग्रेटर हिमालयस शिवालिक हिमालयस हिमाचल हिमाद्री है ना शिवालिक कहाँ पड़ता है वो आप लोग जानते हैं अगर नहीं जानते हैं तो एक बार उसको उस वीडियो का आप लोग देखिएगा जिसका नाम है लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया चैप्टर ठीक है वो देख लीजिएगा ये जो बाबर प्लेन से ये कहाँ पड़ता है ये शिवालिक रेंज शिवालिक जो हिमालय से उसका जो स्लोप यानी ढला हुआ ढांचा का ढला हुआ जो इलाका है उसका जो फुटिंग से वहां पे पड़ता है ये बाबर प्लेन दूसरा तराई प्लेन दिस एरिया इज वेट स्वाम्पी एंड मार्शी अब देखिए ये जो तराई प्लेन है ये प्लेन हमेशा भीगा भीगा सा रहता है दल दल इलाका होता है और वहां से हमेशा भारी होने बारिश होने का क्या होता है बारिश हमेशा बारिश होने का संभावना रहता है यानी कि समझ लीजिए ऐसा प्लेन जो ये समुद्र तट या नदी के तट में होता होगा यानी कि सारा प्लेन तो समुद्र तट या नदी के तट ही होता है लेकिन ये प्लेन जो है थोड़ा ऐसा है जहां बहुत ज्यादा मात्रा में जंगल होंगे ठीक है भांगर प्लेन्स इट हैज अ टेरेस लाइक फीचर यानी एक भांगर प्लेन्स होता है ये प्लेन्स का मतलब होता है ये प्लेन्स जो है जो हमारा दिख रहा है प्लेन्स ऐसा नहीं होता है इसमें होता है स्टेप कटिंग फील्ड होता है यानी कि यहाँ से एक फील्ड यहाँ तक आया है फिर यहाँ से एक फील्ड यहाँ तक आया है फिर यहाँ से फिर यानी कि स्टेप कटिंग फील्ड इसको बोलते हैं टेरेस है ना टेरेस यानी कि इस तरह है नंबर फोर है खादर रीजन They are renewed almost every year and so are fertile. This is ideal for intensive agriculture. देखिए खादर रीजन ये एक बहुत ही अद्भुत रिच क्षेत्र है ये जो खादर क्षेत्र है ये बहुत ही अद्भुत क्षेत्र है ये वैसे क्षेत्र को जाना जाता है कि जो हर साल नया होता है वो प्रिय खादर प्लेन्स है जो हर साल नया होता है कहने का मतलब है कि एक बार इस बार ये प्लेन बना बारिश का मौसम में तो ये फिर ठंडी में प्लेन खत्म हो गया फिर से जब बारिश का मौसम में पानी भरेगा हिमालय से तो क्या होगा
तो फिर से यहाँ पे जितना भी डिपोजिशन होगा सिल्ट का, क्ले का, ऑलिवियल सोयल का डिपोजिट होगा, फिर यहाँ पर नया क्या बनेगा, नया प्लेन बनेगा, नया प्लेन बनेगा। और ऐसा प्लेन जो है वो खेती के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे ही प्लेन में ज्यादा मात्रा में खेती पात खेती किया जाता है, यानी कि बोलता है ये बहुत ही क्या है उपजाऊ उर्वर जमीन होता है। यहाँ पे अच्छे से फर्टाइल सोयल मेरे पाए जाते हैं और ये ज्यादा मात्रा में खेती करने के लिए बहुत ही आदर्श क्षेत्र होता है। यानी कि ये हमारा धनौधन प्लेन्स का जितना जानकारी थे इतना ही है। और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं द पेनिनसुला प्लेटू के बारे में, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए द पेनिनसुला प्लेटू इज अ टेबल लैंड कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक। दिस प्लेटू हैज ग्रोन एंड स्मॉलर वैलीज अराउंड इट। अब बोल देखिए जो जमा हुआ था, बैठा हुआ था, उसी के द्वारा इस प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस प्लेटू है, इस प्लेटू ये फैला हुआ था है और इस प्लेटू को ढका हुआ है सालो वैली, मतलब होता है छोटा छोटा वैली और राउंडेड हिल्स से इस प्लेटू को बना हुआ है। अब आते हैं दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन, यानी कि ये प्लेटू है द सेंट्रल हाइलैंड्स और अच्छा पहले देखते हैं ये जो प्लेटू है ये इसको दो भाग में विभाजित किया गया है। एक है द सेंट्रल हाइलैंड्स, हम बोलते हैं द सेंट्रल हाइलैंड, द पार्ट ऑफ पेनिनसुला लाइंग टू द नॉर्थ lying to the north of the Narmada River covering a major area of the Malwa Plateau. देखिए इंडिया को दो भाग में बांटा गया है, एक मालवा प्लेट्यू और एक डेक्कन प्लेट्यू। ये यानी कि एक तो है बीचों बीच मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होते होते हमारा मालवा प्लेट्यू और उससे सदन का डेक्कन प्लेट्यू। अब ये जो सेंट्रल हाइलैंड्स है ये पड़ता है मालवा प्लेट्यू ज्यादा मात्रा में, ये नॉर्थ की तरफ पड़ता है ज्यादा मात्रा में, ये मालवा प्लेटू को कवर किया हुआ है। अब देखिए नर्मदा रिवर कहाँ से बहती है, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तो यहाँ से नर्मदा रिवर बहती है ईस्ट टू वेस्ट, ये रिवर ईस्ट टू वेस्ट बहती है और ये जाकर के किसी बड़ा रिवर रिवर से मिल जाते हैं। नर्मदा रिवर है यानी कि इसके ऊपर वाला हिस्सा जो कहाँ पड़ता है, मालवा प्लेटू में पड़ता है। इसको हम इस एरिया को हम बोलते हैं द सेंट्रल हाइलैंड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक है विंध्यास रेंज, एक सबसे फेमस रेंज है विंध्यास रेंज है, यानी कि विंध्यास का सबसे पूरा रेंज इन द साउथ अरावली रेंज ऑन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये जो अरावली रेंज है ये राजस्थान और दिल्ली का बॉर्डर है। ठीक है, अरावली रेंज जो है राजस्थान और दिल्ली का बॉर्डर है और यानी कि समझ लीजिए इसका नॉर्थ वेस्ट, यानी कि अरावली रेंज इससे नॉर्थ वेस्ट में है, तो ये इधर ये तो क्या किधर पड़ेगा, इसके इधर में पड़ेगा है ना। और साउथ में क्या है, सतपुड़ा रेंज से ढका हुआ है, ये है हमारा विंध्यास रेंज। रेंज मतलब होता है माउंटेन रेंजेस होता है जिसमें बहुत सारा माउंटेन्स का चेन बन के बना होता है। अब यहाँ पे रिवर्स पाए जाने वाला द चंबल द सिंधु द बीज एंड द केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए चंबल सिंधु बीज द केन ये जो रिवर्स है ये रिवर्स इसी अंदर में ही सब रिवर्स जो है सेंट्रल हाइलैंड से शुरू होता है। किसकी तरफ बहता है, साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये बहता है, यानी कि ये रिवर इस तरह बहती है। और ये द चंबल इंडस का ये
ट्रिब्यूटरीज है सिंधु इंडस का ट्रिब्यूटरीज है बीस है केन है जाकर के बड़ा रिवर्स में मिलता है और ये फिर मिलके फिर ये किधर मुड़ता है साउथ ऑफ की नॉर्थ ऑफ तरफ मुड़ता है क्योंकि सिंधु और चंबल जो है वो जाकर के इंडस से मिलता है तो फिर इसका वहां से रास्ता इस तरह चेंज हो जाता है। देखिए रिवर्स में कहां पाया जाता है सेंट्रल हाइलैंड्स में पाया जाता है। ठीक है सो बच्चों आज के लिए नई क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जितना तो आप लिखा है इसको आप पीडीएफ तो आप लोग भेजेंगे जरूर इसको तो एक बार आप समझ लीजिए और मेकर नोट्स ऑफ योर ओन लैंग्वेज अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाइए जो मैंने दिया बताना जरूरी नहीं है। आप लोग क्लास नाइन्थ में पढ़ते हैं तो आप लोग के पास सेंस है कैसा करना कैसे नहीं करना है और बुक जरूर लीजिएगा है ना बुक से देखेंगे पढ़ेंगे तो और मजा आएगा पढ़ने में। क्लास नाइन का बच्चे है वो बुक रीड भी कर सकता है और उसको समझ भी सकता है ऐसा कुछ भी इसमें भारी बात नहीं है लेकिन जरूरी है पढ़ना। आप लोग वीडियो देखेगा सोचते सोचते तो ये काम नहीं चलने वाला है। कॉपी और पेन साथ में पेन और नोटबुक साथ में रखकर वीडियो देखना है और वीडियो को पूरा देखना है यानी कि हमें फर्स्ट टर्मिनल में सिर्फ दो चैप्टर पढ़ना है जो खैर जो खत्म होने वाला है अब लास्ट एक वीडियो और बनेगा उसके बाद जो खैर का सिलेबस कंप्लीट फॉर द फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन। ओके सो इसको आप अच्छे से पढ़िए जितना भी एक्सरसाइज है बुक का उसका चिंता मत कीजिए हम उसको एकदम सही ढंग से बना के आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर देंगे और जो मेरे स्कूल का गुरुकुल का बच्चे है वो सबका तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है वो सब तो बना रहा है भेज रहा है लेकिन आप लोग जो भी बाहर का है वो लोग भी कुछ हम रेस्पॉन्स चाहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कीजिए कोई दिक्कत नहीं है फिर से हम उसको समझने का प्रयास करेंगे लेकिन अब यही विनती है कि आप इसको पढ़िए। ठीक है ओके फिर वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास इन द सेम टॉपिक। अब हम अगले जानने वाले हैं कि इसका सेकेंड ब्रॉड डिवीजन क्या है हम जानेंगे सेकेंड क्लास में उसमें हमको पढ़ना है तड़ाई रीजन पढ़ना है प्लेट्यूस पढ़ लिए रीजन तड़ाई रीजन पढ़ना है और एक और आइलैंड्स पढ़ना है बस उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट फर्स्ट टर्म के लिए ये सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है तो ओके आप लोग इसको अच्छे से बनाइए है ना। थैंक यू हैव अ गुड डे।